दोस्तों, आज हम पुलिस रिमांड से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे और मेरे साथ जुड़ी हैं दीक्षा राणा जी। दीक्षा राणा जी, आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी एंड आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू एंड माय क्वेश्चन इज दैट मान लीजिए कोई पर्सन है और उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है एंड जो पुलिस ऑफिसर हैं वो उसको अरेस्ट करते हैं एंड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 57 उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स जो हैं वो पेश करते हैं एंड उसको पेश करने के बाद जो मैजिस्ट्रेट हैं वो उस पर्सन को 2 डेज के पुलिस रिमांड पे भेज देते हैं जी। ठीक है, भेज दिए उस पर्सन को। अब जो है उस पर्सन के कम्प्लीशन के बाद जो 2 डेज का पुलिस रिमांड है उस पर्सन को अगेन कोर्ट में जो है वो पेश किया जाता है और मैजिस्ट्रेट जो है उस पर्सन को अब जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं जी। तो जब वो पर्सन जुडिशियल कस्टडी में होता है और उसको उस जुडिशियल कस्टडी में 15 और 18 डेज हो जाते हैं, मान लीजिए 15 या 18 दिन मान लीजिए आप, तो उस पर्सन को अगेन जो पुलिस ऑफिसर हैं वो चाहते हैं कि उसका पुलिस रिमांड हो। पुलिस रिमांड किस लिए हो? क्योंकि उनको कोई क्ल्यू मिलता है कि वो पर्सन जो है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास है, कि वो जो है उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो उससे रिसीव हो सकती है, कोई भी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन जो है उससे रिसीव हो सकती है। तो क्या जो पुलिस ऑफिसर हैं उस पर्सन को अगेन पुलिस रिमांड पे ले जा सकते हैं? जी, आपका प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति है, उसको अरेस्ट किया पुलिस ने, 2 दिन पुलिस रिमांड लिया और पुलिस रिमांड के बाद वो जुडिशियल कस्टडी में बंद है और 15 या 18 दिन के बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस व्यक्ति का कोई क्ल्यू मिलता है, तो प्रश्न ये है कि आप क्या उसको दोबारा पुलिस रिमांड पे ले सकती है? तो आपका आंसर, मेरा ये आंसर रहेगा आपके प्रश्न का, नहीं। क्योंकि एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी, ये जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट की जी सर, उसमें कोर्ट ने ये बोला गया कि आप उसको केवल फर्स्ट 15 डेज में ही पुलिस रिमांड पे ले सकते हैं। जैसे सपोज करो कि आपने 2 दिन पुलिस रिमांड पे लिया, आपका पुलिस रिमांड जो कुल 15 दिन ले सकती है पुलिस, तो आपके 13 दिन बचते हैं। अगर आपको 5, 7 या 8 दिन के बाद पुनः आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो जुडिशियल कस्टडी में है, 2 दिन पुलिस रिमांड है, आपका 13 दिन बचता है। अगर आपको फर्स्ट 15 डेज में ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उससे पूछताछ करनी है, तब तो आप जुडिशियल कस्टडी से उसको पुलिस रिमांड पे ले सकते हैं 15 दिन के भीतर भीतर। लेकिन जैसे ही 15 दिन का समय खत्म होगा, जैसे कि आपने प्रश्न पूछा मेरे से कि 15 या 18 दिन के बाद क्या उसको पुलिस रिमांड पे ले सकते हैं, तो आप उसको पुनः पुलिस रिमांड पे नहीं ले सकते हैं। आप ले सकते हैं जुडिशियल कस्टडी से उसको पुलिस रिमांड पे फर्स्ट 15 डेज में, 2 बार लो 3 बार लो, लेकिन फर्स्ट 15 डेज में। जैसे ही 15 दिन का पीरियड खत्म होगा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अरेस्ट, जब उसको आपने अरेस्ट किया उसके बाद 15 दिन का समय खत्म हो गया, तो आप उसको जुडिशियल कस्टडी से पुलिस रिमांड में नहीं ले सकते हैं। ओके सर, तो सर अगर ज़रूरत ही पड़े, अगर उस पर्सन से कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें चाहिए, क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस देयर आर सर सम सर्कमस्टांसेस इन विच द इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, सो वो कैसे हम उस पर्सन से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? आपका प्रश्न ये है कि जुडिशियल कस्टडी में अगर आप पुलिस रिमांड पर नहीं ले सकते हैं, तो उससे पूछताछ करनी है तो कैसे कर सकते हैं, ये प्रश्न आपका जी। तो आप इस सूरत में, इस दशा में अगर वो बंद है जुडिशियल कस्टडी में, तो आप, ये पुलिस रूल है 14-21 पुलिस रूल है, उसके अनुसार आप डीएम साहब को लिखेंगे और अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो आप उसको हवालात में जेल में जाके वहाँ पे पूछताछ कर सकते हैं विद द परमिशन। वो डीएम साहब लेटर लिखेंगे, वो जेल सुपरिटेंडेंट को मार्क किया होता है लेटर, और आप दिखाएंगे वहाँ पर अपने केस से संबंधित पूछताछ कर सकते हैं। पुलिस रिमांड के संबंध में सेक्शन 167 CRPC में बताया गया है और मुझे आशा है कि आपको ये ठीक लगा होगा जो मैंने बातें बताई। यस सर, आई गॉट इट एंड थैंक यू सो मच सर फॉर क्लियरिंग माई डाउट।